नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट शुगर टेक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को BSNL के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों BSNL उनका प्रीपेड प्लान के अंदर प्राइस एक जो है पर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है। दोस्तों अगर आप भी एक BSNL का ग्राहक है तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। BSNL उनका प्रीपेड प्लान के अंदर इस पर प्राइस एक जो है पर कर दिया है। दोस्तों इसके पहले यहाँ पर प्राइस एक एयरटेल ने किया था, उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने किया था, अभी BSNL सरकारी कंपनी भी यहाँ पर प्लान के अंदर प्राइस एक जो है पर कर दिया है। तो अगर आपके पास भी BSNL का सिम है, आप भी BSNL का सिम को यूज करते हैं, आप भी जानना चाहते हैं यहाँ पर कौन से प्लान के अंदर यहाँ पर BSNL ने प्राइस एक किया है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज का वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है, तो फिर वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए ब्रांडम बेस की आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा इस चैनल के अंदर एक महीने का फ्री रिचार्ज का गिव अवे चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारा इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस गिव अवे वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उस गिव अवे वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के लिए कहा है, तो अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको भी मिल सकता है एक महीने का फ्री रिचार्ज हमारे चैनल की तरफ से। तो अभी तक आपने गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्द से जल्दी जाके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस बार BSNL ने उनका प्लान के अंदर जो प्राइस है किया, यहाँ पर प्लान का प्राइस तो नहीं बढ़ाया लेकिन प्लान के अंदर जो वैलिडिटी मिलता है उसको यहाँ पर कम कर दिया। तो कौन से प्लान के अंदर यहाँ पर प्राइस है किया BSNL ने, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला प्लान BSNL के अंदर अवेलेबल था 49 रुपीज़ का, ये प्लान के अंदर यहाँ पर BSNL ने प्राइस है कर दिया है, जहाँ पर 49 रुपीज़ का अगर आप पहले रिचार्ज कराते थे तो यहाँ पर आपको 28 दिन का वैलिडिटी मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको BSNL का 24 दिन का आपको वैलिडिटी मिलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको और 28 दिन का वैलिडिटी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 24 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। और इसके साथ साथ इस प्लान के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता था, यहाँ पर 100 मिनट का कॉलिंग के लिए, 100 SMS और आपको टोटल 2 GB डाटा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर प्लान का जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया लेकिन प्लान के अंदर जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर कम कर दिया गया है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड प्लान का, जो कि अवेलेबल था 75 रुपीज़ का। अगर आप 75 रुपीज़ का यहाँ पर पहले रिचार्ज कराते थे तो यहाँ पर आपको 60 दिनों का आपको वैलिडिटी मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी इस प्लान के अंदर आपको 50 दिनों का वैलिडिटी मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता था इस प्लान के अंदर, आपको 100 मिनट कॉलिंग के लिए और टोटल 2 GB डाटा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ से वैलिडिटी आपको अभी 50 दिन का मिलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड प्लान का, जो कि है यहाँ पर 94 रुपीज़ का। 94 रुपीज़ का अगर आप पहले रिचार्ज करते थे तो यहाँ पर आपको 90 डेज़ का आपको वैलिडिटी मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी इस प्लान के अंदर भी यहाँ पर प्राइस एक यहाँ पर कर दिया गया, तो यहाँ पर अभी आपको 75 डेज़ का आपको वैलिडिटी मिलेगा। और इस प्लान के अंदर आपका जो बेनिफिट मिलता था, यहाँ पर 100 मिनट कॉलिंग के लिए और टोटल 3 GB डाटा वो आपको मिलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ प्लान का, जो फोर्थ प्लान है वह 106 रुपये का और जो फिफ्थ प्लान है वह 107 रुपये का। ये दोनों प्लान के अंदर ही आपको पहले यहाँ पर 100 डेज़ का आपको वैलिडिटी मिलता था, लेकिन अभी इस दोनों प्लान के अंदर ही आपको वैलिडिटी मिलेगा 84 डेज़ का। और इस दोनों प्लान के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता था, यहाँ पर 100 मिनट कॉलिंग और यहाँ पर टोटल 3 GB डाटा, दोनों प्लान के अंदर आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैलिडिटी 84 डेज़ का आपको मिलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लान का, जो नेक्स्ट प्लान है वह है 197 रुपीज़ का। अगर मैं इस प्लान का बेनिफिट का बात करूँ तो इस प्लान के अंदर आपको पहले मिलता था यहाँ पर 180 दिनों का वैलिडिटी, लेकिन अभी इस प्लान के अंदर आपको वैलिडिटी मिलेगा 150 दिनों का। इसी के साथ साथ इस प्लान के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता था, यहाँ पर आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग करने का बेनिफिट, आप किसी भी नेटवर्क पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर डे 2 GB करके डेटा और आपको पर डे 100 SMS सेंड करने का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो वैलिडिटी मिलेगा वो मिलेगा 150 दिनों का। तो दोस्तों BSNL ने इस बार इस जितने भी सारे मैंने अभी आप लोगों को प्लान बताया, सारे प्लान के अंदर यहाँ पर प्राइस एक कर दिया है, जहाँ पर प्लान का प्राइस तो यहाँ पर नहीं बढ़ा है, प्लान के अंदर जो बेनिफिट मिलता था वो भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन प्लान के अंदर जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर कम कर दिया है। तो दोस्तों BSNL ने इस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक जो यहाँ पर किया है। दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया एयरटेल भी यहाँ पर प्राइस एक किया है, तो यहाँ पर उनको देख के यहाँ पर BSNL ने भी उनका ARP को बढ़ाने के लिए प्लान को आपका जो प्राइस है प्लान के अंदर वहाँ पर कर दिया है। तो अगर आप भी BSNL का सिम इस्तेमाल करते हैं, आप भी ये सारे प्लान को यहाँ पर रिचार्ज कराते थे, तो यहाँ पर अभी मैंने अभी आप लोग को जो भी यहाँ पर वैलिडिटी बताया वो सारे वैलिडिटी अभी आप अपने प्लान के अंदर आपको मिलेगा। जो आपको पहले वैलिडिटी ज़्यादा मिलता था वो आपको और नहीं मिलेगा, आपको अभी कम वैलिडिटी मिलेगा, लेकिन प्लान के अंदर जो बेनिफिट है वो आपको सेम मिलेगा और प्लान का जो रिचार्ज प्लान अवेलेबल था वो भी सेम रहेगा, सिर्फ से वैलिडिटी आपको कम मिलेगा। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर BSNL की तरफ से निकल कर आया था, जो मैंने सोचा आप सभी लोगों से शेयर कर दूँ। तो अगर आपके पास भी BSNL का सिम है, अगली बार आप जब रिचार्ज करेंगे तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप देख के यहाँ पर रिचार्ज कराएगा।
तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दे गए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, इसके इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी एक BSNL का ग्राहक है तो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट्स पे कमेंट करके जरूर बताना।